हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनलार्ज प्रोस्टेट के बारे में, जो कि मेल्स में बहुत ही कॉमनली देखी जाने वाली परेशानी है। स्पेशली ओल्ड एज मेल्स इससे सफ़र करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीपीएच क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कौन से ऐसे टेस्ट कराने चाहिए आपको, और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं जिसका कि प्रयोग करके आप अपने बढ़े हुए प्रोस्टेट को ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बीपीएच यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ये एक नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, उसकी वजह से यूरिथ्रा पर प्रेशर पड़ता है, और यूरिथ्रा पर प्रेशर पड़ने की वजह से यूरिन का फ्लो रुक जाता है या हमें दूसरे यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। डिटेल में समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रोस्टेट क्या होता है, इसका बॉडी में क्या फंक्शन है। दोस्तों, प्रोस्टेट एक मेल ऑर्गन है जो कि केवल मेल्स में प्रेजेंट होता है, और एक वॉलनट साइज का एक या बड़े नींबू के आकार का एक ऑर्गन जो कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये स्पर्म्स को एसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये 15 से 30 सीसी का होता है, और इसका जो वेट है वो है 8 से 15 ग्राम का ये ऑर्गन। दोस्तों, 70 से 80% लोगों में बढ़े हुए प्रोस्टेट की वजह से कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन 20 से 30% लोगों में बढ़े हुए प्रोस्टेट की वजह से सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर ये नेचुरल फिनोमेना है तो हमें सिम्टम्स क्यों आते हैं? दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक वॉलनट साइज़ का या बड़े नींबू के आकार का एक ऑर्गन जो कि पेशाब की थैली के नीचे प्रेजेंट होता है, यूजुअली 70 से 80% लोगों में ये बाहर की तरफ बढ़ता है। लेकिन 20 से 30% लोगों में जब ये अंदर की तरफ बढ़ता है तो जो पेशाब की नली जो कि बीचों बीच उससे पास होती है, उस पर ये प्रेशर डालता है। जब यूरिथ्रा यानी कि पेशाब की नली पर जब इस प्रेशर पड़ता है तो यूरिन का फ्लो रुक जाता है, और उसी की वजह से हमें प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको बढ़े हुए प्रोस्टेट की वजह से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो सिम्टम है वो है फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। इसमें पेशेंट को बार बार और थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब आता है। पेशेंट को रात को कम से कम 5 से 6 बार उठना पड़ता है पेशाब पास करने के लिए। दोस्तों, ये सिम्टम डायबिटीज़ के पेशेंट में भी मिलता है, तो अगर आपको ऐसा सिम्टम मिल रहा है तो आप एक बार अपना शुगर लेवल भी ज़रूर चेक करा लें। दूसरा सिम्टम है अर्जेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, यानी कि पेशेंट को भागकर जाना पड़ता है पेशाब पास करने के लिए, पेशेंट अपने यूरिन को रिटेन नहीं कर पाता। ये भी एक बहुत ही मेन सिम्टम है बड़े हुए प्रोस्टेट का। तीसरा जो सिम्टम है वो है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। इसमें पेशेंट जब यूरिन पास करता है उसके बाद भी उसको बूंद बूंद यूरिन टपकता रहता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है बढ़े हुए प्रोस्टेट का। अगला जो सिम्टम है वो है डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन, मतलब यूरिन के फ्लो को स्टार्ट करने के लिए पेशेंट को थोड़ा रुकना पड़ता है या पेशेंट को जोर लगाना पड़ता है, उसी के बाद उसका यूरिन फ्लो स्टार्ट होता है। अगला जो सिम्टम है वो है अनफिनिश फीलिंग, मतलब उसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके पेशाब की थैली भरी हुई है और वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है। पेशेंट एक बार पेशाब करने जाता है, उसके बाद भी उसे फीलिंग बनी रहती है कि उसको और पास करना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गए साइन ऑफ सिम्टम्स। अगर आपको ऐसे साइन ऑफ सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आपको कौन से ऐसे टेस्ट कराने चाहिए जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। दोस्तों, जो सबसे पहला जो और बहुत ही सिंपल टेस्ट है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। स्पेशली इस अल्ट्रासोनोग्राफी से बढ़े हुए प्रोस्टेट को ईजिली देखा जा सकता है। दूसरा जो टेस्ट है वो है PSA, यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। कैंसर को रूल आउट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको पेशेंट को ज़रूर कराना चाहिए। तीसरा जो है टेस्ट है वो है यूरोफ्लोमेट्री। इसमें पेशेंट के यूरिन के फ्लो को देखा जाता है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपको बीपीएच है या नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका कि प्रयोग करके आप अपने बीपीएच यानी कि बढ़े हुए प्रोस्टेट की समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों,
सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है सेबल सरुलाटा मदर टिंचर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और ये लगभग बढ़े हुए प्रोस्टेट के हर सिम्टम्स को कवर करती है, जैसे कि फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, अर्जेंसी ऑफ मिक्चुरेशन या ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। दोस्तों लेकिन अगर आपका यूरिन पूरी तरीके से रुक गया हो तो मैं आपको ये मेडिसिन लेने के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। इस केस में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इस केस में आपको सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है या फिर आपको कैथेटराइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है वो है कोनियम मैक। दोस्तों इस मेडिसिन को उस कंडीशन में यूज़ करनी चाहिए अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल यूरिनेशन है और आपको रुक रुक कर यूरिन पास हो रहा है, उस केस में आपको कोनियम मैक मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स अपने जीभ पर लेना है कम से कम दिन में 2 बार। दोस्तों अगली मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो है लाइकोपोडियम। दोस्तों अगर आपको बढ़े हुए प्रोस्टेट की वजह से रात में बार बार उठकर पेशाब करने जाना पड़ता है तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स अपने जीभ पर 2 बार आपको कम से कम 1 महीने तक प्रयोग करना है। दोस्तों अगली मेडिसिन की अगर हम बात करें वो है बराइटाकार। ये मेडिसिन उन लोगों को प्रयोग करना चाहिए जो लोग यूरिन को रिटेन नहीं कर पाते, साथ ही उनके पेशाब में बहुत ही जलन रहती है और पेशाब पास करने के बाद उनका पेशाब बार बार बूंद बूंद टपकता रहता है। इस केस में बराइटा का मेडिसिन बहुत ही लाभकारी हो सकती है। दोस्तों इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में 2 बूंद आपको दिन में 2 बार कम से कम 1 से 2 महीने तक प्रयोग करना चाहिए। अगली मेडिसिन की अगर हम बात करें वो है चिमाफिला मदर टिंचर। दोस्तों ये मेडिसिन भी बहुत ही इफेक्टिव है बढ़े हुए प्रोस्टेट को ठीक करने के लिए। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स को यूज़ करनी चाहिए जिन लोगों को यूरिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेट करना पड़ता है या बहुत जोर लगाना पड़ता है यूरिन के फ्लो को स्टार्ट करने के लिए, उन पेशेंट्स को चिमाफिला मदर टिंचर का प्रयोग करना चाहिए। इस मदर टिंचर को 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में कम से कम दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों ये मेडिसिन आपको अपने सिम्टम्स के आधार पर प्रयोग करना है और 1 से 2 महीने तक प्रयोग करने पर आपकी जो बढ़े हुए प्रोस्टेट की जो समस्या है वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। कई लोगों की सर्जरी भी इससे रुक गई है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।